लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को किया जाएगा। पंजाब में भी इसी दिन वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले पंजाब के भटिंडा लोकसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल की सांसद और उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर निशाना साधा। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पिछले 7 सालों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने वादे तो किए लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया। इस गठबंधन से लोग निराश हैं और वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हरसिमरत कौर ने आगे कहा कि लोगों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को देख लिया है। आपकी सरकार को बने हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, बीजेपी तक गांव में प्रचार करने भी नहीं जा पा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पिछली बार से ज्यादा वोट मिलेंगे। जब मैं सांसद बनी थी तो मैंने विकास के लिए काम किया था। हालांकि पिछले 7 सालों में कांग्रेस और आपकी सरकार के दौरान उन्होंने कहीं भी एक ईंट तक नहीं लगाई। हमने एम्स बनाया लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक खोलने में गर्व महसूस कर रहे हैं। हरसिमरत कौर चौथी बार भटिंडा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से उनकी टक्कर है। सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि 8 साल में जनता ने तीनों पार्टियों की सरकार देख ली है। काम तो अकाली दल के ही बोलते हैं, उन्होंने तो सिर्फ कर्जा बढ़ाया है और लूटा है, काम तो किसी ने भी नहीं किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कौर ने कहा कि बीजेपी का तो पंजाब में कोई बेस ही नहीं है, यहाँ उनको कोई प्रचार तक नहीं करने दे रहा। गठबंधन टूटा है, पिछली बार से ज्यादा वोट मिलेंगे। सांसद पद पर रहते हुए अपने किए गए कामों को बताते हुए हरसिमरत कौर कहती हैं, हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान वो लोग करते हैं जिनके काम नहीं बोलते। हमने काम किया, एम्स बनवाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाई, शताब्दी चलाई, हवाई अड्डा खोला और जहाज भी चला दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर कौर ने कहा कि दोनों चोर इकट्ठे हो गए हैं।